यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं या फिर अच्छी खासी जमीन है और आप किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो आपकी कई पुश्तों तक चल सके और बैठे बैठे आप उस बिजनेस से अर्निंग कर सके, तो आज की ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए है। जी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरिज हॉल यानी कि गेस्ट हाउस के बारे में। आपने अक्सर करके ध्यान दिया होगा कि जब शादियों का सीज़न आता है तो हमारे आसपास के जितने भी मैरिज हॉल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, वो एकदम फुल हो जाते हैं। तो मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, कम से कम कितनी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, एक अच्छा मैरिज हॉल किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ उसके अंदर आपको देनी होंगी और किस तरीके से आप उन फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसी ही कई सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं अगर आप एक मैरिज हॉल को स्टार्ट करना चाहते हैं और इससे हम कितने रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक मैरिज हॉल स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसका लोकेशन और कितनी ज़मीन होनी चाहिए। तो हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बात की थी कि आप किस तरीके से मैरिज हॉल स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हमने बात करी थी कि आप किस तरीके से बड़े लेवल पर एक बड़ा मैरिज हॉल स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमने बताया था कि लगभग 5 बीघे ज़मीन होनी चाहिए, पर हर राज्य का बीघा लगभग अलग अलग होता है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ का बीघा बड़ा होता है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ का बीघा छोटा होता है। तो यहाँ मैं स्क्वायर फीट में बताने वाला हूँ और कम से कम बताने वाला हूँ, वो तो काफ़ी ज़्यादा बताया था मैंने आपको। अगर आप बड़े लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे लेवल पे अगर आप एक अच्छा मैरिज हॉल स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 10 से 12 या 13,000 स्क्वायर फीट ज़मीन आपके पास होनी चाहिए किसी अच्छे परफेक्ट लोकेशन पर जहां पर आप इसे स्टार्ट करेंगे। अब लोकेशन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि अगर किसी सोसाइटी के अंदर है ये लोकेशन तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी से पार्टीज़ मिल जाया करेंगी, और अगर किसी आउट एरिया में पड़ता है तब भी मिल जाएंगी। वैसी बात नहीं है कि नहीं मिलेंगी, बट उसके लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। अब क्योंकि आउट एरिया पड़ेगा किसी कॉलोनी से या सिटी से तो लोग वहाँ जाने में भी कतराएंगे, कहेंगे काफ़ी ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, तो वैसी भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिलीज़ में। तो कोशिश करिए कि किसी अच्छी खासी सोसाइटी वाले एरिया में या आबादी जहाँ आसपास अच्छी खासी हो वैसे एरिया में आपको इसे स्टार्ट करना चाहिए। अगली चीज़ की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं इस बिज़नेस के लिए। तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल का बिज़नेस होता है तो उसके लिए हमें यहाँ GST की ज़रूरत पड़ेगी, GST नंबर चाहिए होगा। इसी के अलावा आपको 10 नंबर लेना होगा। अगर आप अपने किसी स्टाफ को ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं तो 10 नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होता है उसी हिसाब से। साथ ही यहाँ पर आपको पुलिस डिपार्टमेंट से NOC लेनी पड़ेगी क्योंकि शादी ब्याह अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लड़ाई झगड़ा मारपीट आम बात है, तो पुलिस की NOC होनी इम्पॉर्टेंट है। फायर डिपार्टमेंट की NOC होनी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आग लगने का भी खतरा रहेगा और काफ़ी ज़्यादा लोग उस जगह पर एकत्र होंगे शादी ब्याह या कोई भी फंक्शन होता है तो वैसे में, तो इसलिए यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट की NOC भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और अगर यहाँ पर हम कैटरिंग की भी सुविधा देते हैं अपने मैरिज हॉल के अंदर तो हमें फूड लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है, FSSAI। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए हमारे मैरिज हॉल का, हम किस तरीके से इसे बनवाएं, तो देखिए वैसे तो आप किसी लोकल इंजीनियर से भी बनवा सकते हैं, बट मैरिज हॉल बनाने के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं इंजीनियर्स, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कई सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स आपके ज़िले में आपको मिल जाएंगे जो कि केवल मैरिज हॉल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। उनके पास काफ़ी सारे नक्शे होंगे कि आपको किस किस तरीके के मैरिज हॉल मिल सकते हैं आपकी जितनी ज़मीन है उसके अंदर। आप कोशिश करिए कि कम से कम 8 से 9 लग्जरी रूम्स आप बनवा सके अपने मैरिज हॉल के अंदर अगर आपका इतना बजट हो। इसी के साथ में मैरिज हॉल के अंदर कम से कम 7 या 8 शौचालय आपको बनवाने होंगे एंड एक बड़ा हॉल भी बनवाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें गेस्ट रुकेंगे और शादी होगी, या फिर अगर कोई मीटिंग या कोई पार्टी वगैरह किसी ने ऑर्गेनाइज करी है तो वो उसके अंदर आराम से हो सके। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है यहाँ मैरिज हॉल में कि मैरिज हॉल में केवल शादियाँ ही नहीं होती, आपको पार्किंग की भी जगह देनी होती है, तो इसलिए आपको पार्किंग की भी व्यवस्था प्रॉपर करनी पड़ेगी क्योंकि मेहमान आएंगे तो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आएंगी और गाड़ियाँ आएंगी तो उन्हें प्रॉपर पार्क करना भी ज़रूरी है। साथ ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको अलग से ऐड करना होगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खुद के भी ये सारी चीज़ें रख सकते हैं और इनके अलग से चार्ज कर सकते हैं पैसे। जैसे हम बात कर लें DJ सर्विस, टेंट हाउस सर्विस,
इसी के अलावा कैटरिंग सर्विस। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर आप अपने मैरिज हॉल के अंदर रखते हैं तो इन सब के पैसे आप अलग से चार्ज कर सकते हैं कस्टमर से। बट अगर ये सारी चीजें आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो नियरेस्ट जितने भी कैटरिंग्स वाले हैं आप उनसे कॉन्टेक्ट रख सकते हैं, डीजे वाले जितने हैं उनसे कॉन्टेक्ट रख सकते हैं, टेंट वाले जितने हैं उनसे कॉन्टेक्ट रख सकते हैं, ताकि अगर कोई बुकिंग आती है तो आप उन्हें लौटाएं ना। और हाँ, आपके पास वो सारी चीजें मैनेज करने की क्षमता है, ये आप उन्हें बता सकते हैं और आप वो सारी चीजें मैनेज करके उन्हें दे सकते हैं। पर एक चीज का ध्यान आपको यहां रखना है कि केवल एक कैटरिंग वाले का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं रखना है, एक डीजे वाले का नहीं रखना है और एक टेंट वाले का नहीं रखना है, क्योंकि जब शादियों का सीज़न आता है तो वो सभी लोग बिजी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो कोई ना कोई मिलना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है ना। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना होगा और इसमें हम अर्निंग कितनी तक कर सकते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट की बात करें अगर, तो आप अगर एक अच्छा और लग्जरी मैरिज हॉल स्टार्ट करना चाहते हैं कम से कम 10 से 15 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन के ऊपर, तो यहाँ 3 से 4 करोड़ रुपये आपके प्रॉपरली इन्वेस्ट होने वाले हैं, जिसमें आप लग्जरी रूम्स, टॉयलेट्स और इसी के अलावा बड़ा सा हॉल, ग्राउंड सब कुछ रेडी कर पाएंगे इसी के अंदर, साथ ही पार्किंग आपकी। एंड अगर अर्निंग की बात करें कि इसमें कितने रुपए आप अर्न करेंगे, तो देखिए मैरिज हॉल एक ऐसी चीज है जिसमें आपको परमानेंट तो कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, बट जब सीज़न होता है तब आपको इतने मिल जाते हैं कि आप आसानी से पूरा साल निपटा सकते हैं उतने में। तो यहाँ कम से कम एक साल के अंदर आप 80 से 90 लाख रुपए तक इससे निकालते हैं, जिसमें अगर आप स्टाफ का खर्चा और मेंटेनेंस चार्ज भी 20 से 25 लाख रुपए निकाल देते हैं, आसानी से आप 50 से 60 लाख रुपए बचाते हैं इसमें। बट ये तब बचाते हैं जब आपकी लोकेशन प्रॉपर हो। ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉपर लोकेशन पर एक अच्छा मैरिज हॉल स्टार्ट किया जाए। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप मैरिज हॉल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।